अक्सर पुरुषों को कहा जाता है कि वो औरतों का दर्द नहीं समझ सकते क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं होते, लेकिन ये फोटो तो कुछ और ही कहती है। और क्या आप जानते हैं अपनी बॉडी के एक ऐसे पार्ट को जिसे आप जितना मर्जी खींचो लेकिन वहाँ दर्द नहीं होता। फैक्ट नंबर 5, अक्सर मूवीज में दिखाया जाता है कि कलाई की नस काटने से मौत हो जाती है, और कई लोगों को लगता है कि अगर हम अपना पैर काटेंगे तो मौत नहीं होगी, लेकिन अगर हमने अपनी कलाई काट ली तो मौत हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। दरअसल हमारी बॉडी में दो प्रकार की नसें होती है, आर्टरीज एंड वीन्स। अगर किसी भी इंसान की वीन्स कट जाए तो मौत ज्यादा जल्दी नहीं होती क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड ब्लड का प्रेशर भी काफी कम होता है, लेकिन अगर आर्टरीज कट जाए तो मौत काफी जल्दी हो सकती है क्योंकि उसमें ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा होता है और आर्टरीज में ऑक्सीजन होती है। और सिर्फ कलाई ही नहीं, अगर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाता है तो वो आपकी मौत हो सकती है, क्योंकि हमारी सारी बॉडी में ही आर्टरीज एंड वीन्स होती हैं, और नसें काटने से हमारे शरीर के हर ऑर्गन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको एक ऐसा जीव पता है जिसके पास 10 पेट और 32 दिमाग होते हैं? नहीं। उस जीव का नाम लीच है, जिसे हिंदी में जोंक भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने जिस पुरुष की फोटो थंबनेल में देखी उसका नाम थॉमस बैटी है। इन्होंने एक नहीं बल्कि 3-3 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? दरअसल थॉमस बैटी एक मेल नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर मेल है, मतलब इनका जन्म तो एक लड़की के रूप में ही हुआ था, लेकिन 2002 में अपनी इच्छा के अनुसार इन्होंने सर्जरी करवा कर अपना जेंडर फीमेल से मेल करवा लिया। इस सर्जरी के बाद वो बाहर से तो एक मेल की तरह ही दिखने लगे, लेकिन उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अभी भी फीमेल के ही थे, और इस कारण ही वो 3 बच्चों को जन्म देने में सफल हुए और 2007 में दुनिया के सबसे पहले प्रेग्नेंट मैन बने। अपना जेंडर चेंज एक इंसान इसलिए करवाता है क्योंकि उसे जेंडर डिस्फोरिया होता है। इसमें एक इंसान की बाहर से जेंडर आइडेंटिटी अलग होती है लेकिन बायोलॉजिकल सेक्स अलग होता है। आसान भाषा में, एक लड़के की बॉडी में एक लड़की होती है या फिर एक लड़की की बॉडी में एक लड़का होता है, और इस मिसमैच को ही सही करने के लिए जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई जाती है, और ऐसे ही काफी एग्जांपल्स इंडिया में भी हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको अपनी बॉडी का एक ऐसा पार्ट पता है जिसे आप जितना मर्जी खींचे लेकिन वहाँ पर दर्द बिल्कुल भी नहीं होता? नहीं। और ये पार्ट है आपकी एल्बो की स्किन। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर काफी कम पेन डिटेक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का ज्यादा सेंसिटिव पार्ट नहीं है, और हमारी बॉडी के सबसे सेंसिटिव पार्ट्स पर सबसे ज्यादा पेन डिटेक्टर्स होते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है द ग्रेट खली के साथ रेसलिंग करते करते एक ट्रेनी रेसलर ब्रायन ओंग की मौत हो गई थी, और अगर आप जानना चाहते हैं इसके लिए द ग्रेट खली को जेल क्यों नहीं हुई तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें।